अभी डॉक्टर पास चलते हैं। भैया जरा गाड़ी निकलना, हम अभी। हेलो फ्रेंड्स, दिल्ली वाली भाभी में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि एक बाघ ने टीना के ऊपर हमला कर दिया था और वो पूरी तरह से जख्मी हो गई है, तो आइए देखते हैं आगे क्या होता है। आह, बहुत दर्द हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है। मेरे हाथ में और सर में भी चोट लग गई है, बहुत दर्द हो रहा है। आह, घबराओ मत टीना, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। हम अभी डॉक्टर पास चलते हैं। भैया जरा गाड़ी निकलना, हम अभी टीना को लेकर डॉक्टर पास चलते हैं। हाँ, अभी गाड़ी निकालता हूँ मैं। गाड़ी ले आया, जल्दी ले आओ टीना को। हाँ, अभी लेकर आता हूँ। और सनी टीना को लेकर हॉस्पिटल जाने लगता है। आराम से आराम से। आ, बहुत दर्द हो रहा है। आ, घबराओ मत टीना, हम तुरंत डॉक्टर पास पहुंच जाएंगे। अभी हॉस्पिटल आ जाते हैं। चलो चलो, जल्दी लेटाओ टीना को बेड पर। डॉक्टर कहाँ है, जल्दी बुलाओ। अरे हाँ डॉक्टर, डॉक्टर। हाँ, मैं आ गया। ये बताइए इन्हें हुआ क्या है? सर, बहुत ही सीरियस केस है। एक बाघ ने इनके ऊपर हमला कर दिया है, बहुत सारा खून निकल चुका है सर, जल्दी कुछ कीजिए। डॉक्टर साहब, बहुत दर्द हो रहा है, जल्दी ठीक कीजिए मुझे। देखिए आप घबराइए मत, सब ठीक हो जाएगा। मैं पहले कॉटन से आपके घाव को साफ कर देता हूँ। आ, आ, बहुत दर्द हो रहा है, धीरे धीरे डॉक्टर। घबराइए मत, घबराइए मत, मैं अभी बैंडेज बांध देता हूँ। चिंता मत कर बेटी, सब ठीक हो जाएगा। ये लीजिए, अब मैंने आपकी मरहम पट्टी कर दी है, अब आप जल्दी ठीक हो जाओगी। थैंक यू डॉक्टर। सर कोई घबराने वाली बात तो नहीं है ना? नहीं, वैसे तो कोई घबराने वाली बात नहीं है, लेकिन बाघ ने काटा है तो एक इंजेक्शन लगा देता हूँ जिससे इन्फेक्शन नहीं फैलेगा। क्या इंजेक्शन? नहीं, मैं इंजेक्शन नहीं लगवाऊंगी, बहुत दर्द होता है। प्लीज डॉक्टर, कोई दवाई दे दीजिए प्लीज। देखिए आप कोई बच्ची थोड़ी है जो इतना डर रही है। इंजेक्शन लगाना बहुत जरूरी है, इससे इन्फेक्शन का खतरा है। लेकिन डॉक्टर, मुझे इंजेक्शन से बहुत डर लगता है। अरे बेटी, लगवा लो ना इंजेक्शन, अब बच्ची थोड़ी हो तुम। पहले छोटी थी तो डरती थी, अब क्यों डर रही हो? अब तो बड़ी हो गई हो तुम। लेकिन मम्मी। लेकिन वेकिन कुछ नहीं, हाथ आगे लाइए आप अपना। और यहाँ डॉक्टर इंजेक्शन लगाने लगता है। बस बस हो गया, आप तो बिल्कुल छोटी बच्ची जैसा चिल्ला रही हैं। हे भगवान, मैं कब ठीक होऊंगी? घबराइए मत, अब आप जल्दी ठीक हो जाओगी। बस टाइम से दवाइयां लेते रहना। ये देखिए यहां मैं कुछ दवाइयां रख देता हूं, इसे सुबह शाम खा लेना आप। छी, ये कितनी गंदी दवाइयां हैं, मैं नहीं खा सकती इन्हें। अरे बेटा, जल्दी से ठीक होना है तो दवाइयां तो खानी पड़ेंगी। हाँ, अभी तो हमें शादी की तैयारियां भी करनी है, तुम जल्दी से ठीक हो जाओ टीना। भगवान का लाख लाख शुक्र है, मेरी बेटी की जान बच गई। हाँ सच में भगवान का लाख लाख शुक्र है। बाय फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। अगले एपिसोड में क्या होगा ये जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल दिल्ली वाली बारबी। बाय बाय।